हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान JVNL हेल्पर 2 की जो आंसर की फाइनल आंसर की जारी हुई थी, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो कंफ्यूजिंग हो रही है इस प्रॉब्लम के साथ, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, JVNL हेल्पर 2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी पर जो आंसर की है वो दिखाई देगी। यहाँ पर फाइनल आंसर का जो लिंक है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जो लिंक ओपन नहीं हो रहा है वो, चलिए देखते हैं मैं क्या आ रहा है इसमें और क्या प्रॉब्लम्स है वो, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि रिवाइज्ड की लिंक विल ओपन शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब है कुछ ही देर में, यानी जो रिवाइज्ड की है वो, उसका लिंक कुछ ही देर में ओपन होने वाला है, ये लिखा है। और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो कन्फ्यूजिंग है वो ये है कि कई बता रहे हैं कि अब जो नई वेबसाइट एक्टिव करके, और बहुत सारे बता रहे हैं कि इस वेबसाइट पर जाकर आप जो की है फाइनल की है वो आपको, मतलब वो बता रहे हैं कि आपका तरीका गलत है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी की है वो देख सकते हैं। और इस कारण बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट में लिख रहे हैं कि मेरी जो आंसर की है वो ओपन नहीं हो रही है, ये आंसर की किसी की ओपन नहीं हो रही है, वो बस गुमराह कर रहे हैं, उस कारण बच्चे कंफ्यूजिंग हो रहे हैं। जो आंसर की है वो किसी की भी ओपन नहीं हो रही है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है JVNL जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसी वेबसाइट में यहाँ हेल्पर 2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, और ये हेल्पर 2 की ओनली हेल्पर 2 की वेबसाइट है, और इस पर ही जो भी अपडेट्स आती है वो यहाँ पर आती है, इधर आप जहाँ पर ये फाइनल आंसर की लिखा है, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम है नेटवर्क प्रॉब्लम, उसी कारण ये ओपन नहीं हो रही है। और इसमें लिखा है शॉर्टली, और आज वैसे 24 फरवरी हो चुका है, आज शॉर्टली का मतलब होता है कुछ ही देर में, लेकिन हम मानते हैं कि शाम तक ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसके बाद उसका रिजल्ट है वो, मतलब शाम तक अगर ये ओपन हो जाती है तो ये लगभग, मतलब ये तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाला सिस्टम तो है नहीं इसमें, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है क्योंकि ये रिवाइज आंसर किया है। उसके बाद 2 दिन के, मतलब आज शाम तक ओपन हो जाती है तो 2 से 3 दिन के बाद, इसके बाद ओपन होने के बाद इसका रिजल्ट और कट ऑफ भी घोषित कर दी जाएगी। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं रहा है, अब थोड़ा इंतज़ार है, इसमें प्रॉब्लम आने के कारण थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, वरना अब तक रिजल्ट भी आ जाता इसका। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, और इसमें कन्फ्यूजिंग वाली कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा मत समझो कि आपकी आंसर की ओपन नहीं हो रही है, आपका तरीका गलत है, आपका अगर इस तरीके से आप देख रहे हो तो आपका तरीका बिल्कुल सही है, इसमें कन्फ्यूजिंग होने वाली कोई बात नहीं है। आंसर की, ये आंसर की है वो जल्द ही, मतलब कुछ ही देर में ये ओपन हो जाएगी लिंक, और उसके बाद अपने आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। आप पहले आपको JVNL इस वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर हेल्पर 2 वाले लिंक में जाकर इस पर जाना है, हेल्पर 2 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले लिंक वेबसाइट पर, उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल आंसर पर क्लिक करना है, उसके बाद ये जो आंसर की है वो खुल जाएगी, जब ये लिंक है जो आंसर की वाली एक्टिवेट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो जैसे ये ओपन होगी, मैं आपको वैसे आपको बता दूंगा, जैसे ये ओपन होगी मैं लगातार इस वेबसाइट पर बना हुआ हूँ, ये जो कंप्यूटर स्क्रीन की विंडो में मैं इससे अलग से खोल रखा है इस वेबसाइट को, जैसे ही ओपन होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और अगर आप दोस्तों आपने स्टडी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हेल्पर 2 की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।